आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट रडार, मैं हूं स्वाति खंडेलवाल। सबसे पहले आज फोकस करेंगे मैस्टेक पर। कंपनी के नतीजे आए हैं, आईटी कंपनी ने क्या और अच्छे और शानदार नतीजे रहे। अगर हम देखें कंपनी के ओवरऑल मुनाफे में 19% का उछाल है और आय में भी 15% की बढ़त है। आय में 10% का उछाल देखने को मिला है और कामकाजी मुनाफा ऑपरेशनल मार्जिन आपके 12% बढ़ा, लेकिन मार्जिन लगभग सपाट रहा। कोरोना कारोबार की वजह का कारोबार पर कितना असर हुआ, आगे का क्या आउटलुक है, क्या रोडमैप है, यूरोप और अमेरिकन बाजार से क्या उम्मीदें हैं, कैसे रिकवरी में आएगी, सब पर बात करने के लिए कंपनी के सीएफओ अभिषेक सिंह हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। मिस्टर सिंह, गुड आफ्टरनून, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहले तो नंबर आपके देखिए तो काफी अच्छे रहे ओवरऑल। प्रॉफिट बढ़ा है 19%, डॉलर रेवेन्यू भी आपका ऑलमोस्ट 10% बढ़ा है। क्या खास वजह रही इस तरीके की परफॉर्मेंस के लिए? अपने शो में आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति। हमारी परफॉर्मेंस की दो मेजर वजह रही, एक तो ऑर्गेनिक बिजनेस वाज वेरी स्टेबल और जैसा कि कोविड का इंपैक्ट बहुत सारे सेक्टर्स में पड़ा है, हमारे बिजनेस में भी, रिटेल बिजनेस में पड़ा, लेकिन गवर्नमेंट या जो पब्लिक सेक्टर हम कहते हैं और हेल्थ केयर सेक्टर, उसमें काफी रेजिलियंस रही। वहां पे कुछ ग्रोथ था जो कि रिटेल सेक्टर के डीग्रोथ को उसने ऑफसेट किया। और दूसरा मेजर रीजन था, हमने जो एवरसिस की एक्विजिशन करी थी फरवरी 2020 में, वो फुल क्वार्टर का कंसोलिडेशन आया तो उसकी भी बेनिफिट फाइनेंशियल्स को मिली। बट कंसोलिडेशन को अगर साइड में रखें तो भी हर तरफ ऑर्गेनिकली काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है जो टॉप लाइन और बॉटम लाइन में रिफ्लेक्ट हुई है। ओके, तो ओवरऑल अच्छा ही पूरा परफॉर्मेंस रहे जो दिख रहा है नंबर्स में भी। आगे आने वाले समय में मार्जिन्स पर क्या आपका आउटलुक है, किस तरीके की पिक्चर वहां दिख रही है, कैसे मेंटेन करेंगे मार्जिन्स, वो स्टेबिलिटी कैसे लाएंगे, क्या स्ट्रेटजी होगी? देखिए, मार्जिन तो काफी अच्छा रहा है इस क्वार्टर में, दोनों ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक साइड को देखा जाए तो दोनों जगह मार्जिन काफी अच्छी रही हैं। और इसका श्रेय मैं दूंगा जो हमने ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट की मुहिम चलाई थी लास्ट ईयर Q1 से ही, जब ब्रेग्जिट के कारण हमारे बिजनेस पे प्रेशर पड़ रहा था, तभी से हमने इस पे इंप्रूवमेंट फोकस डाला हुआ था जो हमें कोविड के समय में बहुत हेल्प किया। उसके अलावा कुछ कोविड सिचुएशन में जो वेरिएबल कॉस्ट, ट्रैवल, एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, वहां पे खर्च बहुत कम हुआ, जिसका भी मुनाफा दिखने और बेनिफिट दिखा हमें यहाँ पे। और बेंच जो आई, क्योंकि बिजनेस में रैम डाउन हुआ, बहुत सारे कस्टमर्स ने अपने ऑर्डर्स कर्टेल किए, तो इन सारी चीजों ने हमें उन एक्सपेंसेस को मैनेज करने में मदद करी। तो मैं कहूंगा कि मार्जिन ओवरऑल एक अच्छे स्तर पे है और इसको हमें मेंटेन करना है, और इससे ऊपर जो भी जाएगा उससे हम वापस बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, ये हमारा कमिटमेंट है। ओके, फेयर। तो ये मार्जिन पिक्चर पर यू नो पर अगर मैं बात करूँ डील पाइपलाइन, इस वक्त किस तरह की डील पाइपलाइन दिख रही है, किस तरीके की कॉन्वर्सेशन हो रहे हैं आपके क्लाइंट्स के साथ, कुछ रीजिग हो रहा है, पेमेंट डिलेज किसी तरीके के आप देख रहे हैं कोविड की वजह से, या थिंग्स आर ऑल राइट, और डील पाइपलाइन इस वक्त किस तरह से? पहले डील पाइपलाइन की बात करते हैं, ये एक लीड इंडिकेटर है और इस पे हमारा काफी ध्यान रहता है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं तीन पार्ट में, पहला जो हमारा पब्लिक सेक्टर है यूके में, दूसरा जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है यूके और यूएस दोनों में जहां पर रिटेल बिजनेस का बाहुल्य है, और तीसरा जो हमारे एवरसिस बिजनेस है जो क्लाउड माइग्रेशन और क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन के काम में फोकस्ड है विद ओरेकल के साथ। तो अगर कोविड का इंपैक्ट देखें तो आप क्लियरली हमें इस बिजनेस में काफी बेनिफिट दिख रहा है, क्योंकि क्लाउड एक फेनोमेना है जो हर कंपनी को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है, कमोवेश लोगों को उसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा और अपने बिजनेस में लाना पड़ेगा। तो उस कारण वहां पे काफी सपोर्ट मिला है, एवरसिस बिजनेस की पाइपलाइन बढ़ी है, ऑर्डर बुक भी बढ़ी है। यूके पब्लिक सेक्टर की अगर हम बात करें तो हमने पहले भी बताया था कि ब्रेग्जिट की अनसर्टेनिटी खत्म होने के, डायरेक्शनल क्लैरिटी हो गई और वहां पे सरकार में स्थिरता आ गई बोरिस जॉनसन की सरकार के अंदर, तो इस कारण जो रुके हुए प्रोजेक्ट्स थे कैलेंडर ईयर 19 के, जो रुके हुए प्रोजेक्ट्स थे उनमें काफी मोमेंटम आया है, तो वहां पे भी पाइपलाइन अच्छी खासी बढ़ी है। तो इन दोनों जगहों पे अगर मैं कहूं तो हमें एक इंप्रूवमेंट दिखा है। और अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाता हूं, जहां रिटेल है, जहां पे फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनियां हैं, जहां पे
काफी और वैरीड छोटे छोटे सेक्टर्स हैं, वहां पे एक नरमी का माहौल अभी भी बना हुआ है। वो सारे कस्टमर्स अपने बिजनेस को देखते हुए अपने आईटी बजट को रीओरियंट कर रहे हैं, तो वहां पे डिजिटल सर्विसेज, कुछ आरपीए, कुछ ऑटोमेशन वगैरह की डिमांड है। बट जो बिग स्केल डिस्क्रिशनरी स्पेंड होता था उसमें हमें कटौती दिख रही है। तो कुल मिलाकर हम कहेंगे कि पाइपलाइन हमारी इंप्रूव हुई है, बट ये उसके सब टेक्स्ट हैं। ओके, पाइपलाइन इंप्रूव हुई है फॉर श्योर, बट थोड़े कुछ कुछ पॉकेट्स में जहां थोड़ी सी सॉफ्टनेस है, जैसा आप बता रहे हैं। अगर मैं बोलूं अगले दो क्वार्टर में रिकवरी आपको कहां से बेहतर लगती आते हुए, पहले आते हुए यूएसए या यूरोप से? यूरोप में हमारी मोमेंटम बनी हुई है। अगर मैं यूके को देखूं तो दोनों लोकल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में हमारी मोमेंटम बनी हुई है, बोथ एज मास्टेक कोर सर्विसेज, जिसको हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज कहते हैं, और एवेसिस की सर्विसेज जो लोकल गवर्नमेंट में काफी प्रचुर मात्रा में चल रही है। तो कॉन्टिनेंटल यूरोप में भी हमारा अच्छा खासा ग्रोथ है। एजुकेशनल सेक्टर में हमने तीन चार कंट्रीज में हमारे लास्ट क्वार्टर में सक्सेसेस मिले हैं। तो अभी तो हम कहेंगे कि डेफिनेटली हमारा मोमेंटम यूरोप ड्रिवन है। हालांकि इस क्वार्टर में और जुलाई के महीने में हमने हेल्थ केयर सेक्टर में और यूएस में काफी लोगोस क्लोज किए हैं, तो वहां पे भी एक मोमेंटम आ रहा है। हालांकि वहां पे ब्रॉड बेस्ड मोमेंटम नहीं है, हेल्थ केयर सेंट्रिक मोमेंटम है। आपको जो मैं जिसको यूएसए से स्टेट सेल से कितना पैसा मिलेगा और वो प्रोसीड्स आप किस तरह यूटिलाइज करेंगे? अमूमन 200 करोड़ रुपए 75-75 के भाव से अगर देखें तो करीब करीब 200 करोड़ रुपए हमें मिलेंगे। टैक्स फ्री वो होगा, सो दैट्स द नेट अमाउंट। और वो मैस्टेक यूके में होगा क्योंकि हमारी होल्डिंग मैस्टेक यूके में है, और वहीं पे हमारे डेट भी हैं जो हमने लिए थे एवेसिस के एक्विजिशन के लिए। तो बड़ा सिंपल सा इक्वेशन है हमारा, $36 मिलियन का हमारे पास डेट है और करीब करीब $26 मिलियन की रिसीट होगी। तो हमारा ये फोकस है कि पहले हम डेट को ऑफसेट करें टू अ ग्रेट एक्सटेंट। ओके, तो ये पूरा का पूरा अमाउंट आप पे ऑफ योर डेट उसके लिए यूटिलाइज करेंगे फिलहाल। ओके, अगर आगे जो जिस तरह से आउटलुक इमर्ज होके आ रहा है कैप आईटी कंपनी के लिए, जिस तरह से अपॉर्चुनिटीज आप देखते हैं इस वक्त, आई नो एक्विजिशंस ऑलवेज होराइजन पर होते हैं, बट कुछ है जिस पर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, कई एडवांस स्टेजेस पर कुछ आइडेंटिफाई किया है, कौन से सेक्टर सेगमेंट में? क्लाउड कंप्यूटिंग ऑफ कोर्स एक बड़ा एरिया है जैसे आप बता भी रहे थे पहले, कहाँ पर कोई एक्टिविटी हम उम्मीद कर सकते हैं आपकी तरफ से, प्लास्टिक की तरफ से? चौथी, अभी हमने जस्ट 6 महीने पहले एक बहुत बड़ा एक्विजिशन कंक्लूड किया है, जिसकी की मैं कहूंगा वैधानिक क्लोजर अभी भी चल ही रही है। डीमर्जर की एक्टिविटीज हो रही हैं, मिडिल ईस्ट बिजनेस में शेयर ट्रांसफर की एक्टिविटीज हो ही रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक्विजिशन है हमारे साइज के हिसाब से, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द साइज ऑफ मैस्टेक हमने अक्वायर किया। हेडकाउंट के हिसाब से अगर देखें तो वो उससे भी बड़ा होगा। तो अभी हमारा फोकस है कंसोलिडेशन, और इस एक्विजिशन के माध्यम से काफी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। जैसा हमने बताया भी था अपने एनालिस्ट कॉल में कल, कि हमने अभी एक बड़ा $4 मिलियन का एक बड़ा बिजनेस यूके में जॉइंट गो टू मार्केट स्ट्रेटजी के तहत जीता है। करीब करीब 100-150 से ऊपर कंपनियां हैं एवेसिस की कस्टमर हैं, जो कि 1 बिलियन से ऊपर साइज है जिनका, जिनमें की मैस्टेक कोर सर्विसेज बहुत अच्छे और धड़ल्ले से बिक सकती है। तो अभी हमारा फोकस वहां पे है, हम सब के सब इस बिजनेस को स्टेबलाइज करने में फोकस कर रहे हैं, कंसोलिडेट करने में और इंटीग्रेट करने में फोकस कर रहे हैं। जहां तक एक्विजिशन का सवाल है, तो ये एक ऐसी चीज है स्वाति, ये बाइनरी नहीं है कि आप डिसाइड करेंगे कि करना है। तो होराइजन में स्काउटिंग हमेशा चलती रहती है, एम&A टीम हमेशा इवैल्यूएट करती रहती है, और अगर कुछ कोर कैपेबिलिटी को कॉम्प्लीमेंट करते हुए या ज्योग्राफिकल रीच को कॉम्प्लीमेंट करती हुई कोई एसेट आती है जो राइट प्राइस पे होगी, तो डेफिनेटली हम देखेंगे उसको, लेकिन अभी ऐसा कुछ होराइजन पे नहीं है। ओके, स्टेबलाइज एंड कंसोलिडेट, यहाँ पर फोकस है जो एक्विजिशन किया है, उसी को आप अभी कंसोलिडेट करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक सिंह, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग विद यू, आपसे हमेशा अच्छा रहता है बात करना और समझना कंपनी के आगे की ग्रोथ प्लान्स, किस तरीके की एक्टिविटी चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, स्टॉक भी इस वक्त दिन के उच्चतम स्तर पर है, अपडेट है 1.5% की करीब की यहाँ बढ़त के साथ।
मैनेजमेंट से बातचीत। चलिए थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फोकस करेंगे मॉल्स पर। जी हाँ, 5 अगस्त से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि मॉल्स खुल जाएंगे। क्या इम्प्लीकेशन होंगे मॉल खुलने के, किस तरीके की एक्टिविटी की उम्मीद की जा सकती है? हमारे साथ फीनिक्स मॉल्स की COO रश्मि सेन जल्दी शो में जुड़ेंगे। ब्रेक के बाद हम आते हैं कॉन्वर्सेशन लेकर आते हैं।